कि आप भी कंफ्यूज हैं कि आपके वुडवर्क में क्या फिनिश होनी चाहिए, तो मैं आपको 6 एपिसोड्स में सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 4 में लैमिनेट, वीनियर, एक्रेलिक, डिको और पीयू का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर बताऊंगा जज करने का, ड्यूरेबिलिटी एंड वियर एंड टियर। आपको कैसे पता लगे कि आपकी कौन से एलिमेंट की ड्यूरेबिलिटी अच्छी है और कौन सा एलिमेंट वियर एंड टियर में कम खराब होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लैमिनेट की। लैमिनेट ना सबसे इकोनॉमिकल और आसान मटेरियल है, इसकी वियर एंड टियर मेंटेनेंस सबसे आसान है, ये इजीली एक बार प्लेस हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सेकेंड मटेरियल है एक्रेलिक, ये ना ग्लास जैसा मटेरियल है तो थोड़ा सा इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, इसके अंदर बार बार ही स्क्रैचेस आ सकते हैं, इसके अंदर आपके फिंगर के निशान भी आ सकते हैं। थर्ड इज वीनियर, वीनियर एक बार लग गया तो काफी अच्छा मटेरियल है और मेंटेनेबल भी है, इसकी बस थोड़ा सा 3-4-5 साल बाद आपको एक रीपॉलिशिंग करानी पड़ती है कि जिससे वापस वैसा ही लगे जो ये पहले जब टाइम पे पॉलिश हुआ था। और हम बात कर रहे हैं पीयू की, ये हाईली प्रोन है और ये तो बहुत ही ज्यादा मेंटेन इसको करना ही पड़ता है, तो इसको बिल्कुल भी स्पॉट नहीं छोड़ सकते, इसको अगर आपने कभी कोई फिंगरप्रिंट्स लग गए हैं या कोई चीज लग गई है तो इसको साफ भी कर लेना चाहिए क्योंकि काफी महंगा मटेरियल भी होता है।